चिल्ला कर बोले चिल्ला कर बोले सीमांचल मांगे सीमांचल मांगे नौजवान मांगे हम भी मांगे हम भी मांगे बांध मांगे बांध मांगे किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट मांगे किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट मांगे हम लड़ कर लेंगे हम लड़ कर लेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा जिला माने जाने वाला किशनगंज में आधारशिला रखी गई 2014 में। सोनिया गांधी यहां आई और आधारशिला रखी, उसके बाद से ही केंद्र सरकार पैसे देने में आनाकानी करी, उसके बाद एनडीए सरकार आ जाती है और पैसा दिया जाता है, बिहार सरकार भी इसमें ज़मीन तो दे देती है लेकिन एक छोटे से मकान में एमयू का पढ़ाई चल रहा है, जिसे लेकर के नागरिक समिति संघ ने यहाँ पर एमयू की मांग को लेकर के धरना पर बैठे हैं। और हम खबर सीमांचल के तहत हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, एमयू नहीं तो वोट नहीं, क्या कहेंगे यहाँ पर ये सारे भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी, सीमांचल की जो गरीब जनता है वो आज 70 साल से अपने वोट दे दे के अपने उंगलियों को काला कर लिया, लेकिन ये काली सरकार हमारे हक देने को लिए तैयार नहीं है। एक गरीब लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमयू के नाम पे जो सेंटर खुला, जिसका पैसा नहीं देने की वजह से बंद होने के कगार पे, हम लोगों का यही मांग है कि इस फंड को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, वरना ये जो लोकतंत्र के नाम पे जो वोट मांगने का जो हम लोग बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है, तो इस चीज को पूरा हम बायकॉट करेंगे और उनको बता देंगे कि हमें तुम्हारे उस प्रजातंत्र पे भी यकीन नहीं है जो प्रजातंत्र हमें वोट हमें हमारा हक नहीं देता है। सीमांचल में शिक्षा को लेकर के काफी पिछड़ा जिला माना गया है और ऐसे में एमयू सेंटर कितना जरूरी है, इसके लिए बात करते हैं। एमयू सेंटर कितना जरूरी है आप बताएं। एमयू सेंटर हमारे लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरत है, हम लोग का ये एरिया शिक्षा से काफ़ी वंचित है और यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे है नहीं, इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे बुनियादी तालीम से लेकर के हायर एजुकेशन चाहिए, जिसके लिए एमयू फॉर फिट है हमारे इलाके के लिए, इसी वजह से ये एमयू सेंटर बहुत ही जरूरी है। तो आप क्या कहेंगे बताइए। मैं तो अभी यही कहूँगा कि कुछ दिन पहले हम लोग केरला गए थे और मल्लापुरम में जो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की ऑफ कैंपस जो खुले हैं वहाँ पर भवन वगैरह बन के रेडी है, वहाँ एजुकेशन हो रहा है। मुर्शिदाबाद भी गए, वहाँ भी एजुकेशन हो रहा है। सेम डेट में हमारे किशनगंज को भी एजुकेशन का एएमयू का कैंपस का ज़मीन भी दिया गया। क्या बात है कि वहाँ पर 60 करोड़ दिया और यहाँ पर आप सिर्फ 10 करोड़ देकर के लॉलीपॉप दे रहे हैं और अब यहाँ से उसको खिसकाने के बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इस भूख हड़ताल में बैठा है कि जब तक आप उसके बराबर फंड दे करके यहाँ मकानात नहीं बनवाओगे तब तक हम उठेंगे भी नहीं। इसके लिए अगर मुझे आत्मदाह भी करना पड़े तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। तो आत्मदाह करने को तैयार है और ये लोग तन गए हैं। तो खबर सीमांचल आपको ये जानकारी दे रही है कि एमयू सेंटर को लेकर के यहाँ पर आप धरने पर जो लोग बैठ गए हैं वो हटने वाले नहीं हैं। तो हम बात करते हैं, कुछ लोग और भी हैं जो काफ़ी दिनों से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे। जी, मैं असर जहान। देखिए, मेरा सरकार से यही अपील है कि हमारे किशनगंज के जो एमयू सेंटर है उसको जल्द से जल्द फंड दिया जाए, ताकि हमारे यहाँ के छात्र छात्राएँ जो है वो बेहतर शिक्षा के लिए कहीं बाहर ना भटके, अपने किशनगंज में रह कर के वो शिक्षा हासिल कर सके। बस सरकार से मेरा यही अपील है कि वो हमारे फंड को जल्द से जल्द दे, वर नहीं तो हम लोग यहाँ के बाद अब दिल्ली में जा कर के धरना करेंगे। तो ये लोग ठान चुके हैं और ये इनका कहना है कि अगर एमयू सेंटर नहीं होता है तो ये भूख हड़ताल करेंगे, सड़क जाम करेंगे और दिल्ली तक धरना देने को तैयार हो गए हैं। खबर सीमांचल के लिए अब्दुल करीम, किशनगंज। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, एमयू नहीं तो वोट नहीं, एमयू नहीं तो वोट नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, एमयू नहीं तो वोट नहीं, एमयू नहीं तो वोट नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एमयू हम लेंगे, फंड हमको चाहिए, फंड हमको चाहिए, एमयू हम लेंगे, नहीं लेंगे रहेंगे, सीमांचल का बच्चा क्या मांगे।
इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद से प्यारी एएमयू जान से प्यारी एएमयू जान से प्यारी एएमयू प्यारी प्यारी अलीगढ़ वाले एएमयू अलीगढ़ वाले एएमयू सर सैयद वाले एएमयू सर सैयद वाले एएमयू केरल वाले एएमयू केरल वाले एएमयू मुर्शिदाबाद वाले